साइंस के पीछे के क्लास में मैथमेटिक्स में हम आपको बताए थे कि ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, आज हम वन बाय वन करके आपको बता दें। सबसे पहले हम पॉइंट बताएंगे, पॉइंट क्या है। तो पॉइंट क्या है, एक पोजीशन को बताता है, पॉइंट पोजीशन को बताता है और इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन का मतलब जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये सब नहीं होता है। और न तो ये कोई स्पेस एक उपाय करता है, इस कॉल्ड पॉइंट। तो पॉइंट को शो करने के लिए ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर का सदैव आप यूज करेंगे, जैसे ए बी सी पी सॉ। पॉइंट के लिए ये अनिवार्य है। ये किस काम के लिए होता है, तो केवल पोजीशन बताने के लिए होता है और स्पेस नहीं लेता, इसमें कोई स्पेस नहीं लेता, ये खास है इसका। और ना तो कोई डायमेंशन होता है, नो एनी डायमेंशन इसमें। आप कह सकते हैं कि नो एनी डायमेंशन, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता। तो हो गया पॉइंट। अब लाइन देखिए, लाइन क्या है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, लाइन का खास बात क्या है कि इसका एंड नहीं होता है। और लाइन लाइन में दोनों तरफ एरो लगा दिया जाता है, एरो हेड, इसमें दोनों तरफ, ये लाइन की खासियत। और इसका एंड नहीं होता, लाइन की लेंथ एग्जैक्टली लेंथ कितना होता वो लाइन से पता नहीं चलेगा। लाइन का मतलब है कि दोनों तरफ अगर बढ़ाते जाइए तो बढ़ते चला जाएगा, इसी को लाइन बोलते हैं। अच्छा, इसमें खास क्या है लाइन में, इसका डायमेंशन होता है, लेंथ होता है, इसको एल से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एम से भी डिनोट किया जाता है। ये डिनोट करने का ये सिंबल है इसका, लेंथ हो गया। अब देखिए प्लेन, तो ये थर्ड नंबर जो है, ये है थर्ड नंबर प्लेन। ये प्लेन के बारे में बता रहे हैं। तो प्लेन क्या, जैसे वॉल, ये व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है। यानी कोई भी प्लेन के लिए टू डायमेंशन होता है, टू डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ मिनिमम होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, तो वो प्लेन बनाता है। टू डायमेंशन मिलकर के ही प्लेन बनाता है और वह एक परफेक्ट शेप तैयार करता है। जैसे कि ये और ये दो दो मिला दिए, तो ये देखिए आप, ये प्लेन बन गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया। इसमें दो डायमेंशन है, एक इधर एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ये दो डायमेंशन मिल गए, प्लेन बन गया, तो ये प्लेन हो गया। जैसे कोई भी सरफेस है, आप छत देखिए प्लेन है, जमीन देखिए प्लेन है, कोई वॉल देखिए प्लेन है, तो ये ही प्लेन है। उसके बाद आप चले ये लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में क्या खास है, लाइन सेगमेंट में सबसे पहले एक लाइन होता है, उसके बाद एक सर्टन डिस्टेंस को फॉलो करता है। मान लीजिए कि हमें 10 सेंटीमीटर का एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो लाइन सेगमेंट में वन पॉइंट लिया जाता है पहले, और उसके बाद 10 सेंटीमीटर का एक डिवाइडर से इसको काट दिया जाता है। तो ये ए और बी, ये जो क्या, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ए और बी लाइन सेगमेंट, इसको ए और बी, ये लाइन सेगमेंट, तो इसी का नाम है लाइन सेगमेंट। अब आप चले ये रेज, रेज का खास क्या है, अब इधर रेज के बारे में बता रहे हैं। ये रेज हो गया फाइव नंबर, तो फाइव नंबर में रेज के बारे में बता रहे हैं आपको कि इसमें खास बात क्या होता है, वन एंड होता है और एक एरो हेड होता है, ये रेज है। रेज का मतलब है कि यह एक खास डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन को शो करे ये रेज। अब इससे क्या लगता है, इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, एक एंड पॉइंट है और ये इसको बोलते हैं एरो हेड। इसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो हेड होता है, इसको बोलते हैं हम रेज हो गया। उसके बाद देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। कोलिनियर पॉइंट्स यानी कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब एक लाइन में जितना भी पॉइंट्स आता है, जो एक लाइन से खींचा जाता है। अब जितना भी, यानी इसमें दो से अधिक होना चाहिए, खास कर दो पॉइंट से अधिक पॉइंट होना चाहिए, और वो सभी पॉइंट्स वन लाइन से होके गुजरे, तो हम कहेंगे ये सभी पॉइंट्स जो है
ये कोलिनियर पॉइंट है, मान लीजिए ए बी सी डी ये सभी एक लाइन को शो कर रहा है ना, तो इसीलिए इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट। अब चले आइए आप कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन में क्या है ये बताए, ये लाइन जो है ये किसी कॉन्करेंट लाइन का मतलब हो गया कि भाई एक सेकंड, चलिए कॉन्करेंट लाइन हम आपको बताएंगे अभी। कॉन्करेंट लाइन एंगल, अब एंगल देख, कॉन्करेंट लाइन वही हुआ जो कि एक पॉइंट से होते हुए कई लाइन गुजरता है एक पॉइंट से होते, जैसे एक लाइन गुजरा, दूसरा लाइन गुजरा, तीसरा लाइन गुजरा, तो ये एक ही पॉइंट से सब लाइन गुजर, आप देख रहे ना एक लाइन से गुजर सब पॉइंट, तो कॉन्करेंट लाइन इसी का नाम है कॉन्करेंट लाइन। अब आप चले आइए एंगल, एंगल ये आते एंगल। अब एंगल देखिए एंगल क्या है, इसमें एंगल में दो लाइन जो है कुछ एंगल को बनाता है, ऑब्लिक दो ऑब्लिक लाइन एक पॉइंट पर मीट करता है, दो ऑब्लिक लाइन एक पॉइंट पर मीट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, इसको थीटा वगैरह से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए एंगल एज रोटेशन, ये एंगल एज रोटेशन को थोड़ा ध्यान दीजिए, एंगल एज रोटेशन ये नाइन में हम डाल देते हैं इसको, नाइन में ये एट हो गया, यहाँ एट ये एट हो गया, ये नाइन्थ में एंगल ऑफ रोटेशन। इसकी खास क्या है एंगल ऑफ रोटेशन में कि जैसे कि कोई एंगल बनाना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से एक सेंटर से लेकर के आप पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद इसको मान लेते हैं ये जीरो, उसके बाद आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं इस आगे, तो आप जो ये लाइन बनाए फिर ये लाइन बनाए फिर ये लाइन बढ़ाए, तो ये जो आप बना रहे हैं ये लाइन ये एंगल बनते जा रहा है, तो यह जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल एज रोटेशन। अब देखिए टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स में क्या है हम यहाँ बता दिए, एंगल टाइप ऑफ एंगल जो है वो होता है मोस्टली चार प्रकार के होते हैं, एक और एक्यूब, एक्यूब में क्या है आप देख लीजिए, अगर इसको हम मार्किंग कर दें इसको नाइन ये कर दें और इसको टेन कर दें, तो टेन में देखिए जैसे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का खास क्या है कि ये 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी ये 90 डिग्री से ये थीटा जो है वो ऑलवेज क्या होगा छोटा होगा, ये एक्यूट एंगल का खास है। उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है वह 90 डिग्री से बड़ा होता है, ये 90 डिग्री से क्या हो गया ये बड़ा हो गया, ये थीटा जो है ये 90 डिग्री ग्रेटर देन थीटा, ये हो गया, ये हो गया वन, ये हो गया टू। अब थ्री में देखिए, अब थ्री में क्या है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है यह जो है 180 से बड़ा होता है, जैसे 180 यहाँ चला जाता है 30 से बड़ा हो गया, ये निर्वा इधर वाला ध्यान दीजिएगा, यानी 180 से बड़ा ये थीटा हम बता रहे ये थीटा, तो इसमें आप क्या देंगे 180 से ग्रेटर हो गया थीटा, ये हो गया। और चौथा है आपका राइट एंगल, तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ये हो गया राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया। तो इस तरह से ये एंगल जो है टाइप ऑफ एंगल आपका हो गया। अब आप चले आइए एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का खास क्या है इसको मैंने मार्किंग कर देते हैं, ये 10 हो गया ना, ये 11 बना दो, 11 ये 11 कर दो इसको एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का खास क्या है कि इसमें एक ही वर्टिक्स होता है और इससे दो एंगल बनता है, जिसमें कि ये जो लाइन है ये कॉमन होता है, इस एंगल के लिए भी होता है कॉमन और ये अल्फा के लिए भी ये कॉमन होता है। तो यहाँ पर अगर ये पी पॉइंट अगर करें, पी और बी एक लाइन है तो पी बी ये कॉमन लाइन होता है, तो कॉमन लाइन होना चाहिए और एक वर्टिक्स होता है, तब ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल।
यानी ये हो गया एडजेसेंट एंगल, या एडजेसेंट हो गया एक दूसरे का। उसके बाद आप चाहिए चले आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट्री का खास क्या है कि दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनता है। तो मान लीजिए पहले तो 90 डिग्री बनेगा ही, और एक एंगल और कहीं दे दीजिए, ये एंगल थीटा है, ये मान लीजिए थीटा वन है, ये थीटा टू है। तो ये एक दूसरे का यानी म्यूचुअली, अगर ये थीटा का थीटा वन क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अगर थीटा टू के बारे में पूछे तो थीटा वन का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। यही तो ध्यान देना कि थीटा वन का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बार थीटा टू है, और थीटा टू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, थीटा वन है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब चलिए सप्लीमेंट्री एंगल में। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम 10, 2, 12, 10, 13, 13 ये 13 में सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर 180 का एंगल बनता है अभी वन लाइन में, आपको बताए थे क्लास में। अब ये एंगल दो एंगल मिलकर अगर 180 बनाता, सपोज करिए थीटा है 180 माइनस थीटा होगा ये एंगल, तो यह एक दूसरे का जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ये इसका सप्लीमेंट्री, ये इसका सप्लीमेंट्री, ये हो गया। आप चले आइए आप यहाँ पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल को बाइसेक्ट करना है तो इसको लाइन हम दे रहे थे बाइसेक्ट करना है। मान लीजिए कोई एंगल है, ये नंबर हो गया बाइसेक्ट एंगल का 14। ये एंगल इसको बाइसेक्ट का मतलब बराबर भागों में इस एंगल को बांटना है, यानी ये थीटा है ये भी थीटा होगा, तो ये बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट हो गया, ये पॉइंट पी या बाइसेक्ट हो गया एंगल का। उसके बाद अब चलाइए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का खास क्या है, ये हो गया 14, ये था 15, ये एंगल इसका क्या है अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसी को बोलते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यह खास है कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बराबर होता है, यानी थीटा वन बराबर थीटा टू, ये ध्यान दीजिएगा, और अल्फा वन बराबर अल्फा टू, ये होता है। यानी इस प्रकार से आपको हम ये पहला जो टॉपिक था, पहला चैप्टर ये खत्म हो गया। अब आप क्या करिएगा, इसको इस फिगर को आप आराम से उतार लीजिएगा कॉपी में, और यहाँ पे वन बाय, जैसे वन है तो ये वन हुआ, ये टू है तो ये टू है, इस तरह से इसको सीक्वेंस के रूप में ये मार्किंग करके आप इसको समझ लीजिएगा, और अच्छा से कॉपी में उतार करके हम तो जब क्लास ऑफलाइन होगा तो हम सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि ये किसने किसने उतारा है, हम पहले आप देखना चाहें, और फिर हम पूछेंगे कि आप इसको बताइए, कोई भी चीज़ बता देंगे कि हम भाई एडजेसेंट एंगल क्या है, हम पूछ लेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कुछ भी पूछ लेंगे।